कुलवंत सिंह खालसा जीरे तो दशमेश गुरु का दरवेश दशमेश तरना दल संत बाबा मेजर सिंह जी का दास गुरु प्यारी सत्संग जी गल कर लगे हाँ। आ जेडे कुछ बंदे जेडे दिल्ली गए आ मोर्चा लाई बैठे आ धरने ते असी इन्हां नूं ये गल पुछदे हाँ भी तुसी मोर्चा लाया जी सदके लाया ठीक आ पर तुसी अपने हकां लई लाया। असी एक कल सिंह नूं सिंघू बार्डर तो आया उन्हूं असी पुछा भी भाई मोर्चा ये कहदा लगा सानू जानकारी दिओ। वह कहिंदा आपां अपने हकां लई ये मोर्चा लाया कणक सस्ती लैंदे झोना सस्ता लैंदे आ अगे महंगा वेचदे आ जिहड़ियां होर फल फ्रूट आ जिहड़ा टॉफियां ताईं ये रेट लाउंदे आ सानू हक चाहीदा रेट लाउण दा। गुरु प्यारी सत्संग जी इन्हां निजी अपने हकां लई तां धरना ला दिता इन्हां निजी हकां लई अपने लई धरना ला दिता। उत्थे उन्हें दस्या भी उत्थे सवा क लख बंदा हैगा कट्ठ उत्थे इन्ना हैगा। असीं उन्हां नूं पुछिया भी कट्ठ किन्ना उह कहिंदा सवा क लख हैगा। असीं फिर सवाल दा जवाब इह मंगिया भी 328 सरूप गुरु महाराज दे गुम होए आ गुरु महाराज के अंग खिलारे गए सी उदों सवा लख क्यों नहीं इकट्ठा होया। साडा गुरु ग्रंथ साहिब पहला कि साडे हक पहला इस करके गुरु प्यारी सत्संग जी अपने हकों लई तां लड़ सकदे आ पर गुरु के हकों लई नहीं लड़ सकते। गुरु बदले नहीं मर सकते गुरु बदले नहीं खड़ सकते। ये कौन आ ये मुगलों के वारस आ जिहड़े मुगलों नूं तलाह दिंदे सीगे कच्ची गढ़ी नूं जिंदरे ला के ते मुगलां नूं कहिंदे सी जिने जिहड़े गुरु मगर तुसीं भज्जे फिरदे सी जिहड़े गुरु दे मगर तुसीं गुरु गोबिंद सिंह दे मगर तुसीं लखां फौज मराती आ उह मैं गढ़ी दे विच अज कैद करके तुहाडे कोले आया ते मूंह मंगियां मैनूं मुरादां दिओ धन दौलतां जमीनां जायदादां दिओ। ते मुगलां ने कहा कोई गल नहीं तैनूं दवांगे। कहिंदा भी मैं उत्थे कैद करके आंदा गुरु नूं ते जाके फड़ लो मुठ्ठी कपार उत्थे नाल सिख आ। अज उहनां दे वारसां नहीं अज उहनां दे वारसां नहीं धरने लाए आ गुरु बदले नहीं अपने हकां बारे लाए आ अपने हकां बारे लाए आ। गुरु प्यारी सत्संग जी इन्हां अपने हकां नूं प्रनोट करदे आ गुरु बदले कुछ नहीं करदे गुरु महाराज नूं गुदारियां दिंदे आ। जे उह दूजा सीगा कोट कपूरे वाला कपूरा जी दी धौन दे विच उहदी वी किला सीगा वह अपने आप नूं जात जट कहाउंदा सीगा तो कपूरा जट जिहड़ा सीगा उहने भी खखराणे दी ढाब ते गुरू महाराज बैठे सी मुगलां नूं तलाह दित्ती सी उह कहिंदा मुठ्ठी कपार सिंघ आ उहनां दे नाल जा के फड़ लो ते मैनूं जगीरां जो दौलत धन मैनूं दे दिया जो। उदों भी इहनां घेरा पुआया जे फुकरियां मारन वाला डल्ला सी कहिंदा जी गुरु महाराज साहिबजादे ताडे शहीद नहीं होने मेरियां मेरे फौजी बराड़ फौजी गज गज दियां साथियां ते उहनां नूं माड़ा जिहा दसदा कला कला बकरा खाण वाले मेरे फौजी नौजवान आ ते कितें सानूं सुनिया भेजदा ते असीं तेरे साहिबजादे शहीद नहीं होण देणे। बैठे बैठे ने फुकरी मारी कहिंदा आ चूड़े चम्यारां ने तेरा की करना सीगा तो सानूं सुनिया भेजदा। ते गुरु महाराज ने उदों कौतकर चाया सीगा तो भाई ऊदा सिंह मिस्त्री सिख रफल लिया ही बना के तो उन्हें भेट की तो जो भेट की तो डला फड़ फुड़ के वेख के कहिंदा महाराज परख लेनी चाहिए आ। तो गुरु महाराज ने फिर आख्या भी चल डलिया हो सीधा तो डले का विचे मूत निकल गया ही उन्हां दे वारस अज धरना ला के बैठे आ। ये गुरु महाराज लई नहीं कुछ कर सकते अपने लिए कर सकते अपन जमीना जायदादां धाणा वास्ते कर सकते आ। इस करके गुरु प्यारी सत्संग जी गुरु नानक दे सिख आ जिहड़े भाई उह ना इस भीड़ दे विच जाओ ते तुहाडी किसे ने बात नहीं पुछनी। गुरु प्यारी सत्संग जी आपदा रोटी कमाओ ते खाओ उतरा खालिस्तान भालदे फिरदे आ खालिस्तान आए नहीं मिलने गुरुद्वारे अड्डा मसान घाट अड्डो अड्डी करे फिरदे आ इहनां नूं इक थां करनगे फिर गल बणनी आ। ते इह जिहड़े आ मुगलां दे वारस इकट्ठे होए आ इहनां दा वेखो हुण की बणदा इन्हें
बेनती प्रवान करनी आ। ये मुगलों के वारस आ जिहड़े धरने लाई बैठे आ, इन्हां प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।